हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको मेष लग्न के विषय में बताऊंगा। और किसी जातक की मेष लग्न हो और सातवें भाव में सूर्य यदि विराजित हो तो सूर्य के क्या फल होंगे और शास्त्री क्या मत होंगे उसके विषय में जानना चाहते हैं। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये एक सामान्य चर्चा है और वीडियो में बताया गया फल सामान्य फल है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। बिना कुंडली देखे और बिना ग्रहों के बल, ग्रहों के अंश, फाइनल डिसीजन पे आया नहीं जा सकता। सप्तम भाव सूर्य फल एवं पंचमेश के सप्तम भाव फल, ठीक है। जब किसी मेष लग्न की होगी किसी जातक की कुंडली तो सूर्य यहाँ पे होगा सप्तम भाव में, ठीक है। ये सूर्य बैठा है यहाँ तो नी तो तुला राशि का होगा। तो तुला राशि का सूर्य आपने जानते हो कि ये नीच का भी हो गया और उच्च दृष्टि सूर्य को अपने लग्न में भी दे रहे हैं। और ये बैठे कहाँ से हैं, ये छठे स्थान के बैठे हैं। तो छठे स्थान का स्वामी सातवें में बैठ जाए, ठीक है, मेष लग्न में, तो पहले फल तो ये देखेंगे कि भाई शास्त्रों में क्या लिखा, किताबों में पहला तो ये लिखा कि सातवें भाव सूर्य का फल क्या होगा, वो नहीं लिख रहा है कि किस राशि में बैठा होगा, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि तुला राशि का सूर्य क्या फल देगा, इस प्रकार से फलित लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि लग्ने से यदि सॉरी षष्ठे से यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फलित देगा, इस तरीके का फलादेश जो है शास्त्रों में लिखा हुआ, तो उसी का विवरण हम आगे चलते हैं, बताते हैं आपको कि इस तरीके का होगा। वीडियो में मैंने आपको टाइम स्टेप्स दे दिया है, आप जैसी सुविधा है वैसा देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारा का सारा देख लें आप, तो अलग अलग उनको टाइम भागों में अलग अलग टॉपिक के हिसाब से बांट दिया है, ऐसे चार पांच टॉपिक में बांट दिए हैं जिससे कि आपको जो उचित लगे आप देख पाए, जिससे आपका समय बचे। हो सकता है कोई केवल सूर्य बाधा का उपाय ही देखना चाहता तो उपाय देख ले। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में लिखा है भास्कर की उपासना में प्रार्थना से आरोग्य मिलता है, ठीक है। इसलिए उपासना और सूर्य बाधा पीड़ा के उपाय भी बताए गए हैं। उपासना जरूरी है, आध्यात्मिक उपासना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। यदि सूर्य आपका तुला राशि में है और सातवें स्थान पे है, मेष लग्न है, तो ये भी जानना पड़ेगा कि काल पुरुष की किस राशि का ये जो तुला राशि प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि तुला राशि यदि पीड़ित होगी तो कहीं ना कहीं आपको तुला राशि जिस भाग का काल पुरुष में प्रतिनिधित्व करती है उससे रिलेटेड कोई समस्या, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। वो जानने के लिए जरूरी है कि तुला राशि कटि प्रदेश, गर्भाशय, अंडाशय, अंडकोश, कटि प्रदेश की हड्डी आदि का देखते हैं। ये मैंने सिंबॉल यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे एक गोला में कर दिया सर्कल। ये तुला राशि यहाँ का संकेत करती है, मतलब नाभि प्रदेश, कटि प्रदेश, वहाँ का ये प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। यदि बहुत पीड़ित हो जाए तो नाभि के पास कोई इस प्रकार की कोई बीमारी इस प्रकार की वो हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि सामान्यतः पुरुष राशि है, चर राशि है, चर मतलब संचार करने वाली, कंटिन्यू चलने वाली। चित्रवन उष्ण प्रकृति, पश्चिम दिशा, वायु तत्व राशि, कम शब्दकारी, कम शब्द, बहुपदी मतलब बहुत सारे पद पैर, कम प्रकृति, समुदाय, जलचर, बहुसंतति, कम संतान वाली, कांति युक्त मतलब आभा रहती है, शुभ है और ब्राह्मण वर्ण है, ठीक है। राशियों का निवास देख लेते हैं, कौन सी राशि कहाँ निवास करती है। व्यापारिक स्थल, बाजारों का स्थान, मूल्यवान वस्तु, व्यापार की वस्तुएं, दुकानें, वैश्य का घर और थिएटर। आप जानते हो कि शुक्र जो है इसका मालिक होता, स्वामी होता है ना। ये एक और चीज जान लेते हैं कि आप जब पढ़ रहे हैं कि तुला राशि का सूर्य नीच का हो गया है, तो सूर्य जो नेचर की कुंडली होती है, काल पुरुष की जो कुंडली होती है, तो उस काल पुरुष की कुंडली में सूर्य यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है लग्न का पहले भाग का, तो यहाँ के कारकत्व तो वो रखता है। यदि सूर्य पीड़ित हो जाता है कि मेष लग्न की कुंडली में सातवें भाव में, तो ये शरीर का ये कारकत्व तो यहाँ का प्रभावित हो गया, तो निश्चित रूप हेल्थ की भी प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि पहले भाव का कारकत्व तो उसके पास है। यदि कारकत्व पीड़ित हो गया तो ये जो पहले भाव का हमारा शरीर स्थान है, निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे भी बनती है। सूर्य की एक कारकत्व है, बहुत स्पष्ट है, स्कैन किया हुआ है, मैंने लिखा है। मैं ज्यादा यहाँ पे बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सूर्य सामान्यतः आत्मा शक्ति, तीक्ष्ण अग्नि, शिव जी की उपासना, राजा, ऐसे विभिन्न प्रकार के कारकत्व सूर्य के हैं यहाँ पे, आप इसको वीडियो रोक के देख सकते हैं। पंचम भाव के कारकत्व मैंने यहाँ लगाया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
या मैं बोलूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ता है। ये सप्तम भाव के कार्य करते हैं, विवाह, यौन संबंध, स्थान का परिवर्तन, पति पत्नी का चरित्र एवं स्वभाव, वाणिज्य व्यापार, शत्रु का नाश, विवाद, सहयोगी, साझेदारी, काम इच्छा, गुप्त रूप, प्रदेश में बसना इत्यादि, युद्ध, शत्रु, विदेशी, गुप्तचर, अंतर्राष्ट्रीय मामले, झगड़े, विवाद, अन्य राज्यों संबंध, समझौते, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अलगाव। ये पार्टनरशिप यहाँ से देखी जाती है, चाहे वो किसी भी स्तर की पार्टनरशिप हो। हमारे शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो ये सॉरी शादी हिंदू धर्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाती, ये विवाद का विषय है, ठीक है, अन्य धर्मों में मानी जाती होगी। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बोलना मतलब फंसने वाली बात है। हिंदू धर्म में शादी पवित्र रिश्ता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का कारकत्व है। तो हमारे कोई पैसे के लेन देन में विवाद हो जाए, हमारा पैसा फंस जाए, है ना, पैसे को लेकर विवाद बना देता है, या सरकार से कोई हमारी देनदारी हो अटक जाए। देखिए सूर्य का सातवें स्थान पर नीच का है, और निश्चित रूप से पति पत्नी दारा का स्थान है, तो ये जरूर देखना चाहिए कि सातवें भाव में सूर्य तुला लग्न में कितने डिग्री में मृत्यु भाग में चला जाएगा। यदि आपकी कुंडली में एग्जैक्ट सूर्य की तुला राशि में सूर्य की डिग्री देखिए, यदि वो 16 डिग्री का है, 16 के आसपास है, तब तो वो खतरे का निशान है। 16 से 16 डिग्री 20 कला और 15 डिग्री 40 कला का भी होगा तो वो मृत्यु भाग में हो। ये माना जाता है कि मृत्यु भाग वाले जो ग्रह होते हैं, इनकी जब दशा अंतरदशा में आती है तो बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं देते। सिर्फ एक ही कारण से यहाँ फलित मैं नहीं बता सकता, हो सकता है कि ये मृत्यु भाग वाला भी आपका सूर्य आगे चल के नवमांश कुंडली में, षोडश कुंडलियों में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन ये करेगा, और वहां जाके अच्छी स्थिति में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है नीच का, वहां जाके उच्च का हो जाएगा, नवमांश में उच्च का हो जाए, द्वादशांश में उच्च का जाए, या सप्तांश में उच्च का हो जाए, ऐसे 4-5 जगह में उच्च का हो जाएगा, तो इस प्रकार के बुरे फल नहीं देगा। ठीक है, तो चीजों को समझें और लकीर के फकीर न बने। सप्तम भाव में सूर्य होने से जातक तत्वों में लिखा है कि तुला का यदि सूर्य हो तो क्या फल देगा। पराजित, हताश, क्षय और अधिक व्यय से त्रस्त, प्रवासी, निम्नाचारी, निर्मम, लौह आदि धातु से व्यापार, आजीविका, विद्वेषी, सेवक, पर स्त्री भोगी, नीच, निंदित, सारा वाली में लिखा है यदि तुला राशि का सूर्य हो तो। जनरली जो बुक्स में शास्त्रीय ग्रंथों में लिखा है उन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया कि तुला राशि का सूर्य फल देगा, ठीक है, या सातवें भाव का फल ये सूर्य देगा, या तुला राशि में सूर्य हो तो क्या फल, उन्होंने ये नहीं लिखा कि किस लग्न का होगा। लेकिन हमने यहाँ पे लग्न के हिसाब से बनाया है कि आपका सूर्य यदि लग्नेश हो के पंचमेश और सप्तम भाव में जाए तो क्या फल देगा, वो भी यहाँ चर्चा की जा रही है। ठीक है, सारावली में लिखा तुला राशि में जातक पराजय और संगति हानि से दुखी, खर्च से दुखी, विदेश जाने में प्रीति रखने वाला, अस्थिरचित, नीच, प्रेम से रहित, स्वर्ण लौह आदि से जीविका चलाने वाला, द्वेषी, पर स्त्री का प्रेमी, मलिन, राजा से तिरस्कृत, मलिन, गंदा आदमी, गंदे विचार का आदमी मान लो। जयदेव, स्त्री ही सर्वस्व, वह अपने अस्तित्व को स्त्री के लिए खो देता है, ये बड़ा खतरनाक टाइप का प्रेडिक्शन लिखा है, मतलब ये आदमी के जीवन में स्त्री के अलावा कुछ है नहीं लगता है। स्त्री ही सर्वस्व, वह अपने अस्तित्व को स्त्री के लिए खो देता है, ये विशेष टाइप का है जयदेव जी ने लिखा है, आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा इसमें। चमत्कार चिंतामणि में नारायण भट्ट कृत चमत्कार चिंता घड़ी है, उसमें लिखा स्त्री क्लेश, शरीर पीड़ा, मानसिक चिंता पीड़ा, व्यवहार से थोड़ा लाभ होता है, प्रतिस्पर्धा के कारण नींद नहीं आती। देखिए आप, स्त्री को कष्ट, जीवनाथ भाव प्रकाश एक ग्रंथ है उसके लेखक है जीवनाथ, स्त्री को कष्ट, शरीर कष्ट, मन में चिंता, बहुत प्रयास से भी प्रचुर धन नहीं मिलता। नरसिंह देवज्ञ विरचित जातक सारदीप है, बहुत प्राचीन बुक है, उसमें लिखा है कि सातवें भाव में सूर्य हो किस प्रकार के फलित होंगे। विपत्ति, हानि, पराजय, दुखों से पीड़ित, विदेश रत, मतलब विदेश में भी जा सकता है सातवें भाव का किसी का सूर्य तो, नीचहीन, अधिक प्रयत्न करने वाला, पर स्त्री कामी, राजा से पीड़ित, शराबी या शराब बेचने वाला, मलिन, गंदा, पहली स्त्री से रहित, और सोना या लोहा बेचने वाले। देखिए आप यहाँ पे शब्दों, एक एक शब्दों का जो आप बोले जा रहे हैं उसको आप मंथन करिए, और ये जो किताबें हैं बहुत प्राचीन किताबें हैं, वर्तमान काल परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। अब ये संभव नहीं है कि आदमी दो पत्नी रख ले, तीन पत्नी रखे और उसको भगा दे,
अब तो पहली पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी लाएगा तो सीधे कोर्ट में मामला, घरेलू हिंसा में मामला दर्ज होता है, भरण पोषण का मामला, आईपीसी में इतने सुविधाएं हैं महिलाओं को, तो ये सब अब पहले की कोई बात रही होगी। पहले इजी गोइंग में आदमी विवाह करना छोड़ना ये सब चल जाता था, अब चलता नहीं है। तो ये इस प्रकार के फलित में बड़े परिवर्तन हैं, और हो सकता है कि सामान्य पति पत्नी का कोई विवाद हो, हर चीज़ को आप बहुत नेगेटिव और सीरियसली ना लें, नहीं तो आपको दुख होगा। मानसागरी, स्त्री का भोग उपभोग मिलता लेकिन सुखी नहीं होता, ठीक है। फल दीपिका, राजा से विरोध स्त्रीहीन होता। सप्तम रवि को मंत्रेश्वर जी ने नेष्ट बताया है, मंत्रेश्वर फल दीपिका के लेखक हैं और बड़ी फेमस ये किताब है, इसमें लिखा है राजा से विरोध स्त्रीहीन होता, सप्तम रवि को मंत्रेश्वर जी ने नेष्ट बहुत बुरा बताया। सारावली, कल्याण वर्मा विरचित सारावली, निर्धन या चेष्टाहीन तिरस्कृत कुरूपवान रोगी राजा के बंधन से पीड़ित। देखिए देखिए, राजा के बंधन से पीड़ित, राजा मतलब सरकार, इसका मतलब इसी आदमी को कोई सजा मिल जाए, समझ गए, सरकार की तरफ से कोई दंडित हो जाए, कोई पुलिस जेल एल का मामला हो जाए, इस तरीके का जानना। दूषित मार्ग पर चलने वाला, स्त्री से शत्रुता रखने वाला, ठीक है। काशीनाथ, स्त्री सुख में कमी है, स्त्री दुश्चरित्रता, कैरेक्टर के मामले में थोड़ी गड़बड़ी। दुंडीराज, निर्धन तथा राजा का भाई से पीड़ा। देखिए, जो व्यक्ति यदि जेल में रहेगा तो निर्धन तो हो ही जाएगा, पैसे खर्च हो जाते हैं ना पूरे। निर्धन तथा राजा का भय से पीड़ा, राजा की भय मतलब जेल समझो आप, तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है, आप भी अपना मंथन कर सकते हैं। डॉक्टर रमन, विलंब से विवाह और वैवाहिक जीवन में कठिनाई, भरा भरा जीवन अधार्मिक होगा, अनैतिक स्त्रियों से घृणित, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि जो सातवीं राशि है वो चर राशि है, तुला राशि, ठीक है। वहां पे यदि सूर्य होगा तो सूर्य वैसे ही चलायमान, या तो ये स्वयं घुमक्कड़ होगा, इसकी तबीयत भी घुमक्कड़ होगी। अधार्मिक, अनैतिक स्त्रियों से घृणित, घुमक्कड़ प्रवृत्ति, स्त्री के कारण बदनामी, पत्नी का चरित्र संदेशास्पद, स्त्रियों के अधीन होता। भृगुसूत्र, विवाह विलंब स्त्री विरोधी, दो स्त्री का पति पति पत्नी साम्य नहीं, मतलब एकता नहीं, या थोड़ा विवाद की स्थिति। सर्वदा सर्वदा चिंतायुक्त व्याकुल, हाँ जी, खेटकत कोतकुम है, हिमायु शासन काल में थे ये नवाब, सॉरी इनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना, ये एक्चुअली ये किताब जो है खेट कोतकुम उर्दू में लिखी हुई है, ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन बनाया गया है। सर्वदा चिंतायुक्त व्याकुल कामी, बहु स्त्री उपयोग से क्षीण, ठग समर में विजयी, ठग मतलब समर मतलब युद्ध में विजयी, शैतान आदमी होगा ये तो फिर ऐसे मतलब। वराहमिहिर, स्त्रियों से तिरस्कृत, ठीक है। देखो ये पूरा स्त्री का मामला चल रहा है, इसलिए मैं बड़ा सावधानी से एक एक शब्द बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे पता नहीं क्या बोले जा रहा है आदमी। ये जो यहाँ लिखा गया है, मैंने जो फलित लिखा है, बड़ी सावधानी से शब्दों का चयन है, और कई ऐसे शब्द ऐसे जो यहाँ नहीं लिखना था तो मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग वीडियो देखने के बाद चीज़ों को सीरियसली ले लेते हैं। मामला पति पत्नी का है, छोटी सी बात में कोई विवाद हो जाए, आपके घर में तनाव पैदा हो जाए, तो ये उद्देश्य नहीं है वीडियो बनाने का, ठीक है। पाराशरमत कहते हैं, पंचमी सप्तम भाव में होने पर बहुत पॉजिटिव बात बोलते हैं, तो भगवान करे ऋषि पाराशर ने जो बोला वैसा ही सबके साथ हो। मानी सुखी, सब धर्म को मानने वाला, पुत्र सुख वाला और परोपकारी सज्जन आदमी हो, तो यही हो, ऐसा ही हो, आमीन। पंचमेश के सप्तम भाव होने पर फल, सप्तम भावगत पंचमेश अधिक शुभ नहीं है, कष्टों में वृद्धि सूचक है, विवाह विच्छेद व संतान हानिया, दाम्पत्य जीवन कष्ट आदि बताता है, ऐसा कुछ विशेषज्ञों ने बताया है। सभी समस्या का हल आध्यात्मिक हल है, ठीक है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अध्याय 9 श्लोक नंबर 26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो ये भक्त्या प्रेक्षति तदम भक्त उपहृतम असनामी प्रेत आत्मनः। मतलब यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। वो भगवान कृष्ण, दूसरे के धंधे चौपट मत करो आप, है ना, कर्मकांडी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये वाले श्लोक आपके, ठीक है। ऐसे लोगों को ये सब पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे, तो आपका कर्मकांड कोई नहीं करने वाला, लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, इसलिए भगवान कृष्ण लोगों की मदद करो आप, जरा ऐसा मत लिखो। तो आप देखिए कितना, मैं तो बस मजाक में कह रहा हूँ, सीरियसली मतलब उसको देखिए, आप प्यार से कुछ आप करोगे, मतलब स्नेह से, श्रद्धा से, तो ईश्वर भक्ति, ईश्वर की प्रेयर, तो आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, हमारे धर्म में यही लिखा है, वैदिक यही कहता है, वैदिक नियम कानून यही कहते हैं,
हर चीज का हल वेद में है, ठीक है, हर चीज का हल ईश्वर भक्ति में है। तो देखिए, यदि आपको सप्तम भाव में सूर्य है और सूर्य की पीड़ा हो रही है, सूर्य की पीड़ा के कारण, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का भाव है, ठीक है, समझौते का भाव है, तो घर में कलह हो रही है, कोई विवाद हो रहा है, तो आप सर्वग्रह पीड़ा नाशक सूर्य के प्रयोग और मंत्र उपाय जो वैदिक है, किसी प्रकार के टोना टोटका वाले नहीं है, ये यहाँ पे स्पष्ट आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके ये इस प्रकार की स्त्रोत पाठ कल कर सकते हैं, है ना। और इसमें सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सूर्य हृदय, सूर्य आदित्य हृदयम, ये बहुत ही जोरदार है, और इसके बाद है सूर्य के, भगवान सूर्य के 1000 नाम, सूर्य सहस्त्र नाम, सूर्य स्तवन, सूर्य मंडल स्त्रोतम, जो भी आपको उचित लगे, सूर्य अष्टोत्तर शतनाम, भगवान सूर्य के 108 नाम, नेत्र रोग पीड़ा के लिए चाक्षुषोपनिषद भी बहुत उपयोगी है, ठीक है, नेत्र बहुत जरूरी भाई। और ये सूर्य का वैदिक मंत्र है, और ये वैदिक मंत्र ऋषि पाराशर की होरासास से लिया गया है, ओम ह्राम ह्रीम हों सा भूर्वा स्व अकृष्णेन रस्सा वर्तमानो निवेशे निमृत मृत हिरेण सविता सेन देवो आदि बहुनानि पश्यन। 7000 मंत्र का जाप करिए, दशांश हवन कराइए, अच्छे कर्मकांडी को पकड़िए, जो बड़ा अच्छे जानकार हो कर्मकांड में, है ना, तो उसका उसके माध्यम से अपना थोड़ा पूजा पाठ कराइए यदि प्रॉब्लम हो रही है तो। और ये मंत्र स्वयं जाप करिए, ओम घणी सूर्याय नमः, ओम एक मंत्र ये, यदि दूसरा ये दूसरा भी कर सकते हैं, ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः, ठीक है। सूर्य का दान, गेहूं गुड़ घी लाल वस्त्र तांबा बछड़े सहित गाय के दान, सूर्य बाधा शांति होती है, सोना दान की भी बात थी, अब राजा महाराजा करते थे सोना दान, अब आम गरीब सोना दान तो नहीं करेगा, तांबे का लोटा दे देना किसी को। देखिए, जो सूर्य का मंत्र है वो माला में करना, माला में क्यों करना, मैं इस वीडियो में इसलिए इत्मीनान से बता रहा हूँ कि मैंने वहां पे टाइम स्टॉपर लगा दिया है, आपको जो उचित लगे देखिए, है ना, मैं इसलिए मेरी बोलने के लिमिट लिमिट में अब मैं तनाव मुक्त हो गया हूँ कि वीडियो लंबा बन रहा है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उपाय देखना उपाय देखिए, जो देखना देखिए। 12 राशि 9 ग्रह 108, 27 नक्षत्र 4 चरण 108। यदि कोई भक्त ईश्वर की प्रार्थना अच्छे भाव से करता है और एक माला भी सूर्य की कर लेता है प्रतिदिन, तो सूर्य से होने वाली उसकी जो पीड़ा है उसमें कमी आएगी, ये पक्का है। क्यों? कि ग्रहों को भगवान, ग्रहों को ब्रह्मा महाराज ने कहा है कि भाई तुम्हारी देखो जो भी पीड़ा दे रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई इसमें से जो पीड़क है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो आपके जप तप करता है, आध्यात्मिक हो जाता है, आपके मंत्रों का जाप करता है, तो भैया आप उसकी मदद करेंगे, ऐसा जो है ना वर दिया है ग्रहों को। तो ग्रहों की बाइंडिंग है, वो तो आप उसके अधीन हो गए हैं, ब्रह्मा से ऊपर तो कोई है नहीं है। तो ये बहुत सरल उपाय है और बहुत ही स्पेशल है, कोई टोने टोटके नहीं है, इस प्रकार के ये नुस्खे का आप पालन करिए, प्रेयर करिए सूर्य की, सूर्य को पानी दीजिए, जल दीजिए, है ना, सूर्य नमस्कार कीजिए, और जो है ये करने से आपको लाभ मिलेगा, ऐसा है जी। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए और लोगों को बताइए, आध्यात्मिक होने के लिए प्रेरित करिए लोगों को, तो जो ग्रह बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं जीवन में, वो खत्म होगी। थैंक यू, हरे कृष्णा।